नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों ये एक अपडेट वीडियो एसर हेलियोस 300 के बारे में। दोस्तों कल के दिन में हमने देखा था फ्लिपकार्ट पर ये दोनों लैपटॉप्स अवेलेबल हो चुके थे, दो कॉन्फ़िगरेशन में, कोर i5 मॉडल और कोर i7 मॉडल में। दोनों ही लैपटॉप्स जो थे वो RTX 2060 वर्जन थे। लेकिन यहाँ पे अगर आज के दिन में हम जाते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर और देखते हैं तो यहाँ पे दोनों मॉडल्स जो हैं अनलिस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे कमिंग सून हमको दिखाई दे रहा है ऐड टू कार्ट का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे परचेज का ऑप्शन हटा दिया गया है। जो प्राइजिंग्स थे यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा कि काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड प्राइसिंग्स थे। अब इसके बाद में यहां पे क्या हुआ एग्जैक्टली कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। क्या ये इसका स्टॉक खत्म हो चुका है? अगर ये स्टॉक खत्म हुआ होता तो यहां पे आउट ऑफ स्टॉक दिखाता, लेकिन दोस्तों यहां पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं, यहां पे कमिंग सून दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी इसके स्टॉक्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे इसको अनलिस्ट किया गया है सेल्स के लिए। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे सीधे सीधे तरीके से एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे स्टॉक्स को सेव किया जा रहा है आगे आने वाले बिग बिलियन डे सेल के लिए। अब बिग बिलियन डे सेल्स पे यही जो लैपटॉप्स हैं यही वापस से स्टॉक में आ जाएंगे और सेल में आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। और डिस्काउंट भी क्या होगा यहाँ पे, जो कि 21,000 जो यहाँ पे इंक्रीमेंट किया गया है उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे होने वाला यही सब केस है। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बात यहाँ पे ये है कि स्टॉक्स खत्म हुए नहीं। अगर स्टॉक्स खत्म हुए होते तो क्लियरली यहां पे आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन होता था। यहां पे इसको अनलिस्ट किया गया है ताकि यहां पे स्टॉक्स को सेव किया जा सके। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों ने यहां पे परचेस किया है फ्लिपकार्ट के ऊपर से, इतने ओवर प्राइस्ड प्राइसिंग्स के बाद भी लाइक यहां पे परचेस किया है उन्होंने, तो उनके लिए यूजली यहां पे हम अप्लॉज देते हैं, लाइक यहां पे अप्रिशिएट करते हैं उनको कि इतने ज्यादा प्राइसिंग्स के बाद भी उन्होंने कैसे परचेस कर लिया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि यहां पे 20 से 25 हज़ार रुपए तक यहां पे प्राइसिंग्स ऊपर जा चुके थे, उतने के बाद भी परचेस करना एक बड़ी बात है और वो दिखाता है कि कितने ज़्यादा वो लवर्स हैं, कितने ज़्यादा फैन हैं एसर हेलियोस 300 के। लेकिन यहाँ पे एसर का जो ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत स्ट्रैटेजी है, लाइक यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी और कंपनी जो है ऐसा नहीं बिल्कुल भी कर रही है जैसा कि यहाँ पे प्रेडिटर के साथ में किया जा रहा है, प्रेडिटर हेलियोस 300 के साथ में किया जा रहा है। और वहीं पर अगर हम देखें साथ ही में एसर के वेबसाइट पर, तो एसर पर देखिए यहाँ पर आपको ट्राइटन 500 को अवेलेबल किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मॉडल अवेलेबल किया गया ट्राइटन 500 का वो है 2019 का मॉडल। मतलब कि दोस्तों यहां पे कोर i7 प्रोसेसर RTX 2080 तो देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पे जो प्रोसेसर आपको मिला है 9 जनरेशन का प्रोसेसर है, 16 GB का रैम है, 2 TB का यहां पे SSD आपको देखने को मिल रहा है और यहां पे आपको फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिला है, जिसका जो रिफ्रेश रेट है काफी अच्छा, यहां पे रिफ्रेश रेट 144Hz का रिफ्रेश रेट है। और दोस्तों यहां पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहां पे आपको 2 TB का यहां पे SSD देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका प्राइसिंग जो है उसको 2,19,000 रखा गया। यहां पे देखिए आपको पहली बात की 2019 का मॉडल मिल रहा है, वहां पे भी इसका प्राइसिंग को बढ़ा के रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है एसर की तरफ से, लाइक कोई भी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशंस आ नहीं रहे एसर की तरफ से, तो यहाँ पे कुछ भी कहना है कि एसर यहाँ पे क्या करना चाहता है इंडिया में कुछ भी हम नहीं कह सकते। अब फाइनली वापस से वेट करने की शुरुआत हो चुकी है कि अमेजोन पे अब देखने वाली बात होगी एसर हेलियोस 300 अमेजोन के ऊपर कब लिस्ट होता है, कब अवेलेबल होता है परचेज के लिए। तो दोस्तों ये था एक ओवर इन ऑल अपडेट एसर हेलियोस 300 के बारे में, जो अभी फ्लिपकार्ट में सिचुएशन है उसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।